और आ रही है मेरी कभी को आप? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। थोड़ा वेट करिए, एक्चुअली लैपटॉप बनवाने को दिया था, इसमें से लग रहा है स्पीकर माइक्रोफोन सब निकाल दिया, बचा है इसको, वे होल्ड करिए। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है, हम रिवीजन कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो अभी ये डिस्कस हो गया था कि एआई कब लॉन्च किया गया था, मशीन लर्निंग कब किया गया था, एआई के क्या कहते हैं, किसने इंट्रोड्यूस कराया था एआई, जॉन मैकलार्ची ने, किसने इंट्रोड्यूस कराया था मशीन लर्निंग, आर्थर सैमुअल ने, किसने इंट्रोड्यूस कराया था डीप लर्निंग, एगेन हजनबर्ग ने, और कब कब कराया गया था, ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, मशीन लर्निंग कितने टाइप्स के होते हैं ये भी डिस्कस कर लिया था हमने। ठीक है, एआई रिलेटेड फील्ड्स बता सकते हैं कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है व्हाट आर द एआई रिलेटेड फील्ड्स? AI related field, AI आजकल हर field में use हो रहा है, आप जो चाहे वो बता सकते हैं, चाहे वो civil engineering से related हो, चाहे electrical से related हो, चाहे computer science से related हो, mechanical से related हो, हर जगह use हो रहा है AI। Aerospace में देखेंगे तो वहां पे भी AI का बहुत ज्यादा use हो रहा है। Aerospace means कि जैसे Mars पे यहाँ से rover भेजे जाते हैं, तो AI के through ही वहां के information आप लोगों को देते हैं। तो एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, सिविल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो हर जगह इसका यूज किया जा रहा है। यहाँ तक कि साइकोलॉजी के लिए भी एआई का यूज किया जा रहा है, जिसको हम कॉग्निटिव साइंस कहते हैं, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और एआई रिसर्चर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एआई के एथिक्स के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था, और लीनियर रेग्रेशन पे न्यूमेरिकल बताया था कुछ, लीनियर रेग्रेशन पे पहले। ठीक है, इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। तो लीनियर रेग्रेशन होता क्या है? एक्चुअली रेग्रेशन इज द पार्ट ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। रेग्रेशन जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है रेग्रेशन। तो रेग्रेशन क्या होता है ये चीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो लीनियर रेग्रेशन ये बताता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या? जैसे यहाँ पे सिंपल लीनियर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एक्स वन, तो ये एक लीनियर रेग्रेशन का एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, जिसमें आपका वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और अल्फा नॉट अल्फा वन रेग्रेशन
कोफिशिएंट है। तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, जाहिर सी बात है वाई का आउटपुट डिपेंड करेगा एक्स वन पे और अल्फा वन पे और एक्स नॉट अल्फा नॉट पे, यानी वाई डिपेंडेंट है। यहाँ एक्स वन पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक्स वन किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब रेग्रेशन कोफिशिएंट क्या है ये चीज हम अभी डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बगल में लिखा है मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन, तो सिंपल लीनियर रेग्रेशन में हम देख रहे हैं कि केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन में अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसे मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन कहते हैं। जैसे y equals to alpha naught plus alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 up to alpha n xn। तो हम लोग देखते हैं मल्टीपल वाले में हम देख रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है y, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 up to xn है। यानी कि जब भी लीनियर एक्सप्रेशन में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होगा उसको हम मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन कहेंगे, और केवल एक होगा तो सिंपल कहेंगे। अब बात करते हैं अल्फा क्या है। अल्फा रेग्रेशन कोफिशिएंट ये चीज है जो बताती है किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कितनी वैल्यू है। जैसे हम बात करें कि y इक्वल्स टू सिंपल वाले की बात करें, y इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एक्स वन लिखा है, तो सपोज कर लीजिए कि कहीं सेल हो रहा है, कहीं क्लॉथ के सेल चल रहे हैं, तो क्लॉथ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टोटल सेल हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी वाई को हम टोटल सेल मान ले रहे हैं और एक्स वन को क्लॉथ मान ले रहे हैं। तो हम देखेंगे जब कोई फेस्टिवल आएगा जैसे होली दीपावली आती है तो सेल बढ़ जाता है, तो सेल कैसे बढ़ेगा कितना बढ़ेगा ये चीज रेग्रेशन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो जो अल्फा वन की वैल्यू जो एक्स वन के साथ है वो दीपावली या फेस्टिवल के समय बढ़ जाती है। यानी कि अगर कभी पूछा जाए किसी मैनेजर से कि इस बार कितने सेल होंगे, क्या अंदाजा है कितने सेल हो जाएंगे हमारे क्लॉक्स के, तो रेग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो रहती है पिछले हिस्ट्री के हिसाब से डिसाइड कर ली जाती है, और रेग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू किसी भी फेस्टिवल में बढ़ी हुई रहती है। तो रेग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ेगी, जाहिर सी बात है टोटल सेल बढ़ जाएगा। तो रेग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपके सेल की अमाउंट कितनी हो रही है। अब जैसे नीचे एक एक्सप्रेशन लिखा है y equals to 0.9 plus 1.2x1 plus 2x2, तो यहाँ पे 0.09 है ये रेग्रेशन कोफिशिएंट है, 1.2 जो है ये भी रेग्रेशन कोफिशिएंट है, और 2 जो है ये भी रेग्रेशन कोफिशिएंट है। x1 x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिस पे टोटल सेल सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी, तो 0.9 तो सपोज कर लीजिए कि एक रेग्रेशन कोफिशिएंट है जो किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड नहीं है। x1 के साथ रेग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1.2 है और x2 के साथ 2 है, तो जाहिर सी बात है x2 के साथ रेग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है, इस वजह से y का टोटल सेल जो है सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा x2 पे, क्योंकि x2 के रेग्रेशन कोफिशिएंट वैल्यू की ज्यादा है, x2 into 2 की वैल्यू ज्यादा आएगी। यानी कि रेग्रेशन कोफिशिएंट ही आपको बताता है किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कितना ज्यादा है डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखा है क्रिएट द रेग्रेशन लाइन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स। फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि आपको रेग्रेशन लाइन क्रिएट करनी है। तो इसमें तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं -2, -1, 1, 3, 2। थ्री पॉइंट्स दिए हुए हैं और थ्री पॉइंट्स में हमें पता करना है, इस थ्री पॉइंट्स में पता करना है कि रेग्रेशन लाइन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो थ्री पॉइंट है उसमें -2 जो है वो x की वैल्यू है और -1 जो है वो y की वैल्यू है, यानी पहले पॉइंट को x की वैल्यू मानेंगे, दूसरे पॉइंट को y की। तो देखिए नीचे टेबल बनाए हुए हैं, तो इस टेबल में चार कॉलम है xy और x स्क्वायर। तो हम सबसे पहले xy की वैल्यू लिखे हुए हैं, तो x में जो पहले वाले तीनों पॉइंट के जो पहले पॉइंट है वो x की वैल्यू है, वहां देखिए -2, 1 और 3 लिखे हुए हैं। y जो है वो -1, 1 और 2 लिखे हुए हैं। तो x और y की वैल्यू को अलग अलग हमने एक टेबल में लिख लिया है।
अब एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन भी किया है, मल्टीप्लीकेशन इसलिए किया है कि हमारा जो फॉर्मूला है रिग्रेशन लाइन का उसमें मल्टीप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी एक्स वाई के, तो इस वजह से मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है। तो माइनस टू इंटू माइनस वन टू आ गया है, एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन वन और इंटू वन वन आया है, थ्री इंटू टू सिक्स आया हुआ है। फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली गई है, तो हमारे फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, इस वजह से हमने एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि माइनस टू का एक्स स्क्वायर फोर आया है, वन का एक्स स्क्वायर वन आया है और थ्री का एक्स स्क्वायर नाइन आया है। अब देखिए इसकी जरूरत कैसे पड़ रही है, तो रेग्रेशन लाइन बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो अगर आप नीचे देखेंगे तो वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, तो ए एक्स प्लस बी जो है इसमें अगर ए की वैल्यू पता चल जाए और बी की वैल्यू पता चल जाए तो आप सिंपली रेग्रेशन लाइन की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो ए को निकालने का जो फॉर्मूला दिया है वो दिया एन समेशन ऑफ एक्स वाई, देखिए एक्स वाई की जरूरत यहाँ पड़ गई, समेशन ऑफ एक्स वाई यानी एक्स वाई की जितने भी मल्टीप्लीकेशन है सबका समेशन, माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई होल अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर की भी जरूरत पड़ गई है, माइनस समेशन ऑफ एन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए इस फॉर्मूला में वैल्यू कैसे पुट करना है, इसमें जो n लिखा हुआ है, जो n है आपका दैट इज नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आपकी क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। देखिए n की वैल्यू यहाँ नीचे फॉर्मूले में 3 पुट कर दी है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 पुट की गई है n की वैल्यू इनटू समेशन ऑफ x y, तो देखिए यहाँ पे हमने टेबल में x y की वैल्यू निकाली है 2 1 और 6, इसका समेशन 2 प्लस 1 प्लस 6 आपका 9 होगा, तो देखिए फॉर्मूले में समेशन ऑफ x y की जगह यहाँ 3 इनटू 9 पुट कर दिया गया है, माइनस समेशन ऑफ x, अगर टेबल में देखेंगे तो समेशन ऑफ x आएगा आपका माइनस 2 1 3 यानी कि माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3 जो कि आपका आएगा करीब करीब कितना आएगा 2 आएगा, ऐसे y का समेशन भी 2 आएगा, तो देखिए यहाँ दोनों वैल्यू पुट कर दी गई है 2 इंटू 2 होल अपॉन 3 इंटू 14 माइनस 4 यानी कि यहाँ n की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 पुट की गई है इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जितनी वैल्यू है उसका समेशन कर लिए 4 प्लस 1 प्लस 9 और यहाँ पे पुट कर दिए हैं, सॉरी x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिए तो हमारा 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14 यहाँ 14 रख दिया गया है, माइनस x का होल स्क्वायर समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ x हमारा 2 आ रहा था उसका होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 23/38 आया। अब इसी तरीके से b में वैल्यू पुट करना है तो b का फॉर्मूला 1 अपॉन n समेशन ऑफ y माइनस a इनटू समेशन ऑफ x, तो 1 अपॉन n क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 है, समेशन ऑफ y आपका 2 आ रहा था तो यहां 2 पुट कर दिए हैं, माइनस ए की वैल्यू 23 अपॉन 38 आई है तो 23 अपॉन 38 पुट कर दिए हैं, इनटू 2 2 आपका समेशन ऑफ एक्स है तो 5 अपॉन 19 आया। आप जब ए की वैल्यू 23 अपॉन 38 आई है और बी की वैल्यू 5 अपॉन 19 आई है तो आपने जब पुट किया तो आपका जो रेग्रेशन लाइन का आंसर आया है वाई इक्वल्स टू 23 अपॉन 38 एक्स प्लस 5 बाई 19 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये नीचे वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करके दिखाइए मुझे, इसका सॉल्यूशन भेजिए नीचे वाले का, इसको सॉल्व करिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे थोड़ा रिवीजन और करें उसके बाद आगे का सिलेबस देखिए, ठीक है।